और एक मेरे बड़े अजीज हैं, मुझे कहते हैं कि खुर्रम मलिक तुम ना अपना यूट्यूब चैनल जो है ना डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों डिलीट करूँ? कहते हैं कि तुम व्लॉग तो बनाते ही नहीं हो, तुम्हारे चैनल का फायदा क्या है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का क्या फायदा, तुम्हारे चैनल ग्रो करने का क्या फायदा है। ऑलराउंडर हूँ मैं, ऑलराउंडर, ठीक है, बैटिंग भी करूंगा मैं, बॉलिंग भी करूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, रख लोगे वो। मैं अपने व्यूवर्स को, व्यूवर्स ये बंदा जो है ना रोहित शर्मा की तरह लगता है ना, अगर आपको लगता है ना कि बंदा रोहित शर्मा की तरह लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मैं आज तुम मेरी बैटिंग देखना, ऐसे लंबे लंबे छक्के वो सामने कोठी से तुम बॉले उठा उठा के तुम, अच्छा सॉरी सॉरी उधर से उठाओगे मतलब वहां से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स। व्यूवर्स आप भी सोचते होंगे यार कि जब जब बारिश होती है ना तब आपका भाई जो है ना बाहर निकल आता है, तो आज भी काफ़ी दिनों बाद यार मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। पहले मैं व्लॉग बनाता हूँ फिर मैं गायब हो जाता हूँ, पता नहीं मैं क्यों गायब होता हूँ। इतना समझाता हूँ खुद को, इतना समझाता हूँ यार कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, व्लॉग बनाते रहो, लेकिन फिर भी यार कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है ना कि यार आपका भाई व्लॉग बनाते बनाते जो है ना रुक जाता है और व्लॉग बनाना छोड़ देता है। और फिर जो लोग हैं ना वो मेरी तरह तरह की बातें करते हैं यार, और एक मेरे बड़े अजीज़ हैं, मुझे कहते हैं कि खुर्रम मलिक तुम ना अपना यूट्यूब चैनल जो है ना डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों डिलीट करूँ? कहते हैं कि तुम व्लॉग तो बनाते ही नहीं हो, तुम्हारे चैनल का फायदा क्या है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का क्या फायदा, तुम्हारे चैनल ग्रो करने का क्या फायदा है। मैंने क्योंकि ना इस चैनल के ऊपर बड़ी मेहनत की है, आपको सच्ची सच्ची बात बताऊँ ना, मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और आपको पता है आपके भाई का चैनल जो है वो मोनेटाइज है, और ये वॉच आवर्स पूरा करना और सब्सक्राइबर पूरा करना और डेली मेहनत करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये चीज़ आपके भाई ने अचीव कर ली। अभी अचीव करने के बाद थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, और सुस्ती आने की वजह से यार मैंने व्लॉग बनाना ही छोड़ दिए हैं। तो मैंने कहा चले यार इधर मैं बाहर आया हूँ वॉक करने के लिए, और यहाँ पे मैं डेली वॉक करता हूँ। मैंने कहा चले इधर आपको मैं दिखाता हूँ कि आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं, और मैंने कहा चलो यार एक व्लॉग भी बन जाएगा। अभी जो है टाइम 5:30 हो रहे हैं और नमाज असर का टाइम भी है, तो पहले एक काम करते हैं पहले ज़रा नमाज पढ़ लेते हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे ही ग्राउंड है, अगर आप देख लें तो यहाँ से पीछे आए हाय हाय मौसम चेक करें ना यार व्यूअर्स, कितना एक खूबसूरत सा यहाँ पर जो है वो वेदर बना हुआ है सामने। थोड़ा थोड़ा सनी है और थोड़े थोड़े जो है ना वो बादल आए हुए हैं, बारिश का सीन है क्योंकि कल भी बारिश हुई है। जो हफ्ता चल रहा है ना, हफ्ता क्या 2-3 हफ्ते हो गए हैं बारिशें इस्लामाबाद में लगी हुई हैं, और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है, और बारिश में इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो अभी ज़रा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है, नमाज का टाइम ना निकल जाए। और मैं सामने वैसे अपने कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैंने अपना जो है वो कॉलेज मैंने यहाँ पर कम्प्लीट किया। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना, यहाँ पर गुजरता हूँ, मुझे मेरे कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं, क्योंकि सामने मेरा कॉलेज है और ये कॉलेज के सामने ही ग्राउंड है, यहाँ पे हम खेला करते थे। अब मैं यहाँ पे जो है वॉक करने आता हूँ। अभी मुझे सामने जो है ना कॉलेज के चाचा मिले, सामने गार्ड अंकल जो है सामने खड़े हुए हैं, मुझे कहते हैं क्या करने आए हो? मैंने कहा वॉक करने आता हूँ। इधर कहते हैं क्या वॉक करते हो, आया करो ना कॉलेज। कहते हैं इधर कॉलेज जाओ तुम्हें चाय से पिलाएं। मैंने कहा नहीं अंकल, नहीं साला फिर कभी आऊँगा आपके पास। तो अभी जरा सीन ये है कि नमाज ज़रा पढ़ आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद ज़रा ग्राउंड चलते हैं और आपको ज़रा ग्राउंड की एक्टिविटी दिखाते हैं। मस्जिद भी ज़्यादा दूर नहीं है, कि सामने ही है मस्जिद, आपको मैं दिखाऊँ तो वो सामने मीनार है। चले इधर आगे चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और नमाज के बाद ना ज़रा मैं आपसे बाकी की बात करता हूँ। व्यूअर्स ये मैं चलते चलते मस्जिद के करीब आ गया हूँ। ये सामने भी जो है ये सारा जो है ये ग्राउंड का एरिया ही है, सामने से आखिर तक जो है ग्राउंड का एरिया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी तरह मस्जिद तक आ गया हूँ। ज़रा अभी मस्जिद चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रा आपसे जो है ना मैं दोबारा करता हूँ बात। चले जी व्यूअर्स, नमाज मैंने पढ़ ली है, असर की नमाज़ अदा कर ली है, और अभी ज़रा मैं ग्राउंड में दाखिल हो रहा हूँ। मैंने कहा चलें ज़रा चलते हैं, ये ग्राउंड है यार यहाँ पे सामने, ज़रा ये वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है यहाँ पे, और इनकी ज़रा गेम देखने का बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी सारे लड़के होते हैं यहाँ पे, बड़े शौक से जीते हैं। ये जगह जो है ना सामने वाली ये सारी भरी हुई होती है, और यहाँ पर क्योंकि मैं क्योंकि वॉक करने के लिए आता था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो है ना वो टेस्ट दिया है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ना, तो इस ग्राउंड के अंदर जो है ना वो एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, विच इज़ अबाउट 1 किलोमीटर, नहीं 1 किलोमीटर नहीं है यार, 500-600 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। इस ग्राउंड के जो ये सामने वाला ग्राउंड है ना, अभी ज़रा आज तो ज़रा बारिश हुई हुई है ना, क्योंकि रात को भी बारिश हुई है और सुबह भी जो है बारिश हुई है, तो जो पिच है ना ये आज वाली गीली है, यहाँ पे हम अक्सर क्रिकेट भी खेल लेते हैं। अभी भी मेरे जो दोस्त यार है ना सामने, कैसे हो छोटे? ठीक हो? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि दोस्त यार मेरे जो है ना वो सामने जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उनसे भी मिलवाता हूँ आपको जाके। आपको मैं बता रहा था मैंने रिसेंटली जो टेस्ट किया था ना इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, तो जो ये वाला ट्रैक है अभी तो इसकी हालत जरा बुरी हुई है, यहाँ पे जरा भागने वाला हिसाब कोई नहीं है। ये मतलब यहाँ से शुरू होता है और ग्राउंड के तकरीबन सर्कुलर आप कह लें, पूरा सर्कुलर जो है मोशन आप कर लें तो यहाँ तक जो है ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स, ठीक है। तो इसके जो है ना मैं 3 से 4 राउंड में कम्प्लीट करता था, ठीक है,
और जो आपको बड़ा हेल्प करता है अगर आप रनिंग का टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे रनिंग करते करते अक्सर औकात में क्रिकेट खेलने भी लग जाता था, यहाँ पे कभी खेली कभी उधर खेली, कहीं सारा इतना बड़ा ग्राउंड है यार, कहीं भी जहाँ दिल कर पड़ता था ना क्रिकेट खेल लेते थे। अभी इधर आगे चलते हैं, आगे जरा कुछ दोस्त याद रहे हैं, वो डेली यहाँ पर आते हैं जरा प्रैक्टिस करने के लिए, नेट लगाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे अपना, और वो डेली यहाँ पर जो आ गए हैं ना वो प्रैक्टिस करते होते हैं। और क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो यहाँ से बाहर ही है बिल्कुल, आप सामने निकल जाए ना यहाँ से, मैंने अपना जो है वो इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था, तो यहाँ से कभी कभार कॉलेज से जब छुट्टी होती थी ना तो हम अक्सर औकात इस ग्राउंड में आ जाया करते थे, यहाँ पर हमने खेलना अपना टाइम स्पेंड करना और ये सारे मामला हम यहाँ पर जो है वो किया करते थे। लेकिन अभी ज़रा आना जाना थोड़ा कम होता है, बस अभी यहाँ पे आना जाना मेरा तब ही शुरू हुआ था, तो अब ये छोटा भी मेरे साथ साथ है। इधर आओ ना जी, कैसे हो? ठीक जा। क्या करते हो? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो, क्या नाम है? बासित। बासित, इधर खेलते होते हो? जी। इनके साथ नेट करते होते हो? जी। अच्छा, कितनी टाइम से खेल रहे हो? बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बॉलर। अच्छा, खेल रहा हूँ। एक साल से खेल रहे हो, अच्छी क्रिकेट खेल लेते हो जी। क्या एज है अभी? 15 है। 15 है तो जाओगे टीम पाकिस्तान खेलने? इंशाल्लाह। चलो यार, विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना खुर्रम मलिक व्लॉग्स यूट्यूब पे, हैं लाजमी सर्च करना। ये रहा व्यूअर, बड़ा अच्छा है कि बॉलर है, कह रहा है मैं यहाँ पे बॉलिंग करता हूँ। और यहाँ पे भी मेरे दोस्त पता नहीं किधर गए हैं, सामने यहाँ पे हमारा एक कोच होता है, कोच हमारा वो एंड पे खड़ा हुआ है आखिर पे, वो मेरा क्लासमेट है, नाम इसका कलीम है लेकिन मैं इसको जो है ना वो कोच कहता हूँ क्योंकि ये लगता ही कोच की तरह। अस्सलाम वालेकुम जी वसीम भाई, क्या हाल है? सर, बिग फैन ऑफ यू यार। व्यूअर्स, ये जो बंदा आप देख रहे हैं ना ये बड़ी बड़ी लीग्स खेल के आया है, MSL तो खेली है ना यार, वो शर्ट बदला रहा है यार। चलो चलो, किसी को पसंद आई तो नंबर दे दे। चलो नंबर में डाल दूंगा, है किसी को पसंद आती हो तो नंबर बता देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर लगेगा आपका। व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि ये ना रोज यहाँ पे डेली जो है ना वो नेट करने आते हैं, थोड़ा सेशन करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो है ना अपनी पिच बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है। हम भी जरा डेली आ जाते हैं, कभी हमारा भी दिल मेरा भी दिल कर पड़ता है तो मैं भी जो है वो खेलने लग जाता हूँ। और अभी जो यही पिच है अभी तो जरा ही काफ़ी नरम और मुलायम हुई हुई है, यहाँ पे पानी शायद इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कोच, कैसे हो यार? व्यूअर्स, ये बंदा रोहित शर्मा की तरह लगता है ना आपको, है सही सी बताएं? अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं भाई यार, ये बंदा रोहित शर्मा की तरह लगता है ना? ये हमारे कमांडो है, ये कमांडो है हमारे, हार्ड हिटर है, बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। वो मैंने देखा है इनको हार्ड हिटिंग करते हुए, तो वो मैं अपने व्यूअर्स को, व्यूअर्स ये बंदा जो है ना रोहित शर्मा की तरह लगता है ना, अगर आपको लगता है ना कि बंदा रोहित शर्मा की तरह लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, क्योंकि रोहित शर्मा कहता है मैं पाकिस्तान का कोच बनूंगा, तो इसलिए मैं इस भाई को भी जो है कोच पाकिस्तान, तो मैं भी जो है ना इस भाई को इसलिए जो है ना वो कोच कहता होता हूँ, क्योंकि जो भाई है ना वो रोहित शर्मा की तरह लगते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हमारा कोच बनेगा इन फ्यूचर जैसे वो कहता है, तो मैं कहता हूँ ये भाई भी जो है ना वो कोच बन सकता है हमारा। मैच? अच्छा, क्या सीन है? टेनिस यार, तुम हार्ड की पिच पे टेनिस क्यों खिला रहे हो? अच्छा यार, व्यूअर्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जितना भी जो ग्राउंड है ना ये सारे वाला, ये यहाँ से लेके वो पूरा सर्कुलर, ये सारा जो है ना ये भाई की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ऐसी है ना जी? नहीं, आपकी नहीं है? नहीं, बता तो दे थोड़ा सा, मतलब इसकी ग्राउंड की बुकिंग आप नहीं करते होते? यार मुझे पता चला था, मैंने क्रिकेट का मैच करवाना था, मुझे किसी ने कहा था वहाँ पे लड़का होता है तो वो तुम्हें बता देगा, उसने मुझे आपका नंबर दिया था कि आप बुकिंग करते हैं आगे। गलत बताया यार, मैंने आपको फ्रॉड लगाया, चूना लगाया और क्या। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ना बड़ा सीन होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड की बुकिंग वगैरह ना यही लड़का करता होता है, अभी तरह मेरे आगे ये मुकर गया है, शायद पता नहीं कैमरा देख के डर है क्या चक्कर है, वरना बुकिंग जो है ना यहाँ पे यही करता होता है। यहाँ पे अब क्रिकेट के बड़े सीन होते हैं, यहाँ पे ये डेली मैच खेलते रहते हैं, कभी 50 ओवर का मैच खेले, कभी 35 का खेले, 50-50 ओवर के भी मैच खेले ना आपने? 50 के खेले हैं मैच? यहाँ पे 45 ओवर के होते हैं। 45 ओवर के, अभी लास्ट मैच कब खेला है आपने? लास्ट मैच परसों। अच्छा अच्छा, आपको ना जरा मजे के बारे में, ये जो लड़का खड़ा ना ये भी व्लॉग बनाता है, क्रिकेट से रिलेटेड व्लॉग बनाता है, तो मैं इसका आज मैंने थंबनेल देखा, वीडियो तो खैर मैं नहीं देख सका, तो लेकिन थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि 101 का टारगेट कितने ओवर में था? टी10 था, हो गया था पूरा। कौन जीता है? हम ही जीते थे, आपस में मैच है यार, फ्रेंडली। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रेंडली मैच खेलते हैं, और वैसे टूर्नामेंट भी करवाते हैं आजकल, मैंने जरा इनका पोस्टर देखा था, तो इंशाल्लाह मैं भी जो है ना यार, मुझे भी रखो कि किसी टीम में। बिल्कुल यार, हमारी इतनी टीम में आ जाओ यार, बैटिंग ऑलराउंडर हूँ मैं, ऑलराउंडर, ठीक है, बैटिंग भी करूंगा मैं, बॉलिंग भी करूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, रख लोगे मैन ऑफ द मैच? प्राइस देते होते हो? सब कुछ देते हैं यार, आपके लिए स्पेशल स्पेशल हो गए, ठीक हो गया, ओके, मैं फिर आ रहा हूँ आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए। व्यूअर्स, अभी जरा ये सामने जरा अपने नेट जरा सेट कर रहे हैं, अभी जरा मैं भी जरा थोड़ी देर जरा इनसे चिट चैट करूंगा, थोड़ी देर जरा बातचीत करूंगा, थोड़ी देर खेलूंगा, और उसके बाद आगे की सीन आपको बताता हूँ। ये व्यूअर्स, जरा टॉस हो रहा है, सिक्का नहीं था इनके पास, कॉइन नहीं है, तो जरा टेप से टॉस कर रहे हैं।
ये टॉस किया जी इन्होंने यहाँ का, सीधा उल्टे की सीन हो रहा है। ये दिखाओ जरा, इधर दिखाओ, ये टेप दिखाना जरा मुझे। आपने सीधा लिया था उल्टा लिया था? ये रहा सीधा उल्टे का, ये सीन है ना कि अभी ये सीधा है, इसने कहा था कि सीधा आ जाएगा टॉस हम जीत जाएंगे, दूसरे ने कहा अगर उल्टा आ जाएगा तो हम टॉस जीत जाएंगे। तो ये जरा जो है ना सस्ता टॉस, आप कह लेंगे सस्ता टॉस होता है, सिक्का ना ना हो तो हम जो है ना वो टेप से भी जो है ना वो टॉस कर लिया करते हैं। ये लो यार जी टेप आपकी, थैंक यू। अभी पता नहीं टॉस कौन जीता है, क्या सीन है क्या नहीं है। टॉस हम, आप जीते हो, हमारी बैटिंग आप फील्डिंग पे, वसीम भाई हमारी फील्डिंग है, मैंने सोचा रहा बैटिंग आएगी हमारे लिए, फील्डिंग आ गई है। ऊपर से जो है बारिश भी आने वाली है, मौसम जरा चेक करें, ऊपर से बारिश आने वाली है। इतना खूबसूरत सा व्यू बन गया ना यहाँ पे। अब मुझे कौन सी पर्ची दिया, मैं आज तुम मेरी बैटिंग देखना, ऐसे लंबे लंबे छक्के वो सामने कोठी से तुम बॉले उठा उठा के तुम, अच्छा सॉरी सॉरी उधर से उठाओगे, मतलब वहां से उठा के लाओगे यार, कोई नहीं। मौसम ऊपर से इतना जो है ना खूबसूरत सा रंगीन बन गया ना, आप चेक करें यार कितने खूबसूरत से बादल हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा मैच जो है ना वो इंटरप्ट हो जाएगा बारिश की वजह से, लेकिन चले जरा थोड़ी देर खेलते हैं ना, और आई गेस हो गया बारिश हो जाएगी। जरा बारिश होती है क्या होता है, मैच होता है बारिश होती है पता लग जाता है। अभी विकेट अभी लगाएंगे ना, विकेट अभी इसके अंदर से निकालेंगे। अच्छा ये बैग विकेट है यार जी, ऐसी विकेट आपने कहीं देखी होगी, डायरेक्ट बैग रख दें जहाँ पे हैं, मतलब कि कोई स्टंप्स नहीं, कोई वट्टे शट्टे, कोई पत्थर शत्थर नहीं, डायरेक्ट जो है ना बैग रख दिया और यही विकेट है। और ये इंटरनेशनल पिच के ऊपर इन्होंने बैग रखा हुआ है यार, मतलब के अनबिलीवेबल। चले जरा अभी जरा मैच शुरू हो रहा है, थोड़ी देर जरा मैच खेलते हैं और मैच की ना आपको साथ साथ में अपडेट देता रहता हूँ। व्यूअर्स बड़ा जालिम मैच चल रहा है यार, मैंने मोबाइल जरा अपना सामने जरा अंपायर को दिया हुआ था, फिर जरा उस लड़के को दिया हुआ, वहां से वीडियोस बना रहा था, इधर सामने जरा मैं ऑफ साइड पे मैच मैंने फील्डिंग कर रहा हूँ, ऑफ साइड ही बनती है ना, हाँ ऑफ साइड ही है मिड विकेट पे। अभी जरा ये बॉल शुरू होने लगी है, ये बॉल कर रहा है मेरी तरफ ना मारे, बस सिक्स है जी। व्यूअर्स पहली इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं, चार ओवरों का मैच था, नहीं तीन ओवरों का मैच है और 49 स्कोर किया हमने, आई गेस 50 करना है। वसीम भाई 50 स्कोर करने हैं, 48 करना है जी, 48 स्कोर हमने करना है तीन ओवरों में। पहली इनिंग जरा ख़त्म हो गई है, अभी हमारे कोच बताएंगे जरा बैटिंग में कौन जा रहा है, ये सारी हमारी कबीना बैठी हुई है। बैठा हूं यार, बैटिंग आया, बैटिंग में मुझे भेजोगे ना, वो समी आ गया, बस ठीक हो गया, फिर तुम जीत गए मैच अगर मुझे भेजा तुमने। अभी जरा हमारे जरा बैठे हुए सामने कप्तान, ये अपनी जरा सिलेक्शन डिसाइड करें कि बैटिंग में किसको भेजना है। ऊपर से काले बादल भी मंडला रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर जीत भी हमारे सर के ऊपर मंडला रही है, बल्कि बैटिंग वाले तो चले गए, मैच में गए कोई नहीं है, सामने हमारे बैट्समैन चले गए हैं और वो वहां पे अटकी है, डबल कर लिया, सही है। व्यूअर्स फाइनली एक बॉल और एक स्कोर रह गया, एक बॉल पर एक स्कोर, यार ये बॉल लगती लगती जो है बच गई है, और ये आपको भाई ऐसे रिसीव हो गया था, और ये फाइनली हम जो है मैच जीत गए। मैच बड़ा सेंसली खेज हुआ यार, लेकिन मेरी बैटिंग नहीं आई यार, मेरी बैटिंग में भेजा ही नहीं, मैं बैटिंग से रह गया हूँ, लेकिन ये है कि मैच हम जीत गए और आपकी बड़ी फिट शॉटें आई हैं यार, आपके छक्के जो आपने मारे, और याद रखना कि 7 साल बाद आए हाय, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड भाई, कह रहा 7 साल बाद इसने खेले और शॉटें से बड़ी पक्की पक्की मारी और मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया है, और हम ये मैच जो है बड़ा सनसनी खेज था, मैच हम जीत गए जी, आखिरी बॉल तक मैच है, वो गए आखिरी बॉल पे, एक बॉल पर एक स्कोर रह गया था और मैच हम जो जीत गए, अभी पता नहीं क्या सीन करने लगे हैं यहाँ पे, लेकिन मैच जो है ना वो हम जीत चुके हैं। व्यूअर्स मैच हो गया हमारा ख़त्म और हम जो है वो मैच जीत गए, और अभी जो है ऊपर से शाम भी हो चुकी है, अभी आप देख लेना बारिश अभी तक थोड़ी सी हुई थी, लेकिन फिर बारिश जो है वो रुक गई थी, बारिश हुई नहीं है, फिर थोड़ी सी हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, अभी जरा मगरिब की अजान वगैरह भी जो है वो हो गई है, तो अभी सीन ये है कि आज वाला व्लॉग जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अभी शाम को बस आपको परिंदे ही यहाँ पे जगमगाते हुए नज़र आएंगे, और ये जो है मेरी टीम जो है वो जीतने के बाद यहाँ पे अब रेस्ट कर रही है, और मैं भी वैसे भी जो है वो घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया है, अभी ज़रा मैंने नमाज मगरिब भी अदा करनी है, असर के टाइम में यहाँ पे आया था, अब ज़रा मगरिब का टाइम भी हो गया है,
तो अभी आज वाला व्लॉग जी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है जी आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज वाले व्लॉग में हमने सिर्फ क्रिकेट ही खेली है और आपको अपनी आज की एक्टिविटी जो है वो दिखाई है। अगर आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया है तो यार इसको लाइक करना और मेरे चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब खुर्रम मलिक व्लॉग्स और देखते रहें, मोहब्बत से नवाजते रहें और चैनल को लाजमी आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तरह मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ूँगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।